हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको देसी जड़ी बूटी की श्रृंखला में ये जो पौधा दिखा रहे हैं, ये पौधा जो है ये सफ़ेदे का पौधा है। और इस सफ़ेदे के पौधे के महत्व के बारे में, इसके ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल पर जो है हर वीडियो को जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देख लीजिए दोस्तों, ये सफ़ेदे का पौधा आपको कहीं भी सड़क के किनारे आसानी से खड़ा हुआ मिल जाएगा, जिसको कि आप यूज़ करके आप अमर जाए इलाज कर सकते हैं। देखिए, ये खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि दोस्तों बलगम वाली खांसी है आपको, या किसी भी प्रकार की आपको खांसी है, तो उसके लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है कि एक गिलास से आपने पानी का चढ़ाना है, और इसके पत्ते लेने हैं 10 से 20, और साथ में थोड़ी सी मुलेठी डाल लेनी है। तो आप उसको पकाना है, खूब पकाना है। जब आधा रह जाए तो उसको जो है आपने पी लेना है। इससे दोस्तों आपकी खांसी जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये आपको पौधा जो है सड़क के किनारे मिल जाएगा। इसके बीज भी होते हैं, छोटे छोटे बीज लगे होते हैं, वह बीज भी बहुत कामयाब होते हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों आपके शरीर पे कहीं खास खुजली लगती है, उसके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है। उसके लिए भी आप इसका लेप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपके जो है अनेक प्रकार के, जैसे सिर में या किसी भी अन्य अंग पर चोट लगती है, तो उस पर इसके पत्तों को लेप कर लें, या फिर इसके पत्तों को जो है गर्म करके बांध लें। यह बहुत गर्म होता है, तो उसके लिए भी यह कारगर साबित होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन आपको यूज़ करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली साबित होगा। यदि आपकी पेट की समस्या है, जैसे आपको भूख नहीं लगती, तो आप जो है इसके पत्तों को सुबह सुबह खाली पेट चबाएं, आपकी भूख की समस्या ख़त्म हो जाएगी। यदि आपका खाना हजम नहीं होता, तो उसके लिए भी यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप इसका प्रयोग करें तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप जो है इसको, यदि आपको पीलिया रोग हो गया है, पीलिया रोग के लिए भी आप इसको जो है पका कर ले सकते हैं, जिससे कि आपको पीलिया रोग जो है 2 से 3 खुराकों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपके जो है बुखार कहीं दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बीज जो पकने के बाद जो है मोटा रूप धारण कर लेते हैं, इनको आपने जो है लेना है पका कर या कूट कर लें, पतासे में लेना है, या फिर, लेकिन आपको जो पतासा होता है गोल गोल वाइट वाइट, उसमें आपको जो है इनको लेना है बीज को, और आपके लिए बिल्कुल फ़ायदे का सौदा, बहुत बढ़िया आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, देखकर पूरा सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।